और जिस पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने भारत के विपक्ष को मीठे आम की पेटी भेजी है। और हैरानी की बात तो ये है कि विपक्ष ने इसे कबूल भी कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस हाथों से, जिस खून के सने हाथों से कत्ल कराने का काम किया जा रहा है, उसी से आम लेना कैसी डिप्लोमेसी है? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में जो रक्तपात हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी दूतावास से विपक्ष के कुछ नेताओं को गिफ्ट के तौर पर आम भेजा जाए तो आपके मन में क्या सवाल उठेगा? यही ना कि दाल में कुछ न कुछ काला है। जी हाँ, और इसी काले दाग वाले आम पर बीजेपी हमलावर है। कि जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे, और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहाँ का एम्बेसी ने पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। वैसे आम पाने वालों की लिस्ट में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद नहीं है, सज्जन वर्मा नहीं है, महबूबा मुफ्ती नहीं है, लेकिन इनके मन की बात जो जुबां पर आ गई है उससे कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन की किरकिरी पहले ही हो चुकी है। अब पाकिस्तानी दूतावास से आम की टोकरी विपक्ष के हाथों में पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से राहुल गांधी जी सहित और कई और लोगों को आम आए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते, आम का स्वाद उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है, पाकिस्तान की बातें भी इनको अच्छी लगती है, पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी हैं राहुल गांधी जी के। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? स्वयं हसीना वाजिद जो वहां की आपदस्थ प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनका पुत्र कह रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जमात इस्लामी के माध्यम से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमले कराए हैं। तो उस भारतद्रोही पाकिस्तान से आम लेकर इतने प्रसन्न क्यों है राहुल गांधी? इसका उत्तर राहुल गांधी को देना पड़ेगा। अगर बीजेपी के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वो कैसे देश की परिकल्पना कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जहां पाकिस्तान का हाथ हिंदुओं के खून से लाल है, वहां बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके घर बार मंदिरों को जलाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष हिंदुओं के दुश्मनों के भेजे मीठे मीठे आम चूस रहा है। कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट का। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का हमास के नए चीफ पर बयान, कहा हमास का नया चीफ सिनवार हत्यारा। और चिली के राष्ट्रपति बोरिक ने चुनाव में लगाया धोखाधड़ी का आरोप और मतदान में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाते नजर आए। यमन में आई बाढ़ से 30 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे ओलंपिक के दौरान बचे हुए खाने को गरीबों में बांटा गया, खिलाड़ियों के लिए तैयार हुए खाने को आसपास के लोगों को बांट दिया गया। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर जॉन किर्बी का बयान, जंग रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिश जारी। अब बांग्लादेश के ढाका में विशाल रैली का आयोजन किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने रैली को संबोधित भी किया।
इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब के जेद्दा में इमरजेंसी बैठक की, इजराइल और ईरान के हालातों पर चर्चा। और अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, गवर्नर ने लोगों को भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया। अमेरिका की मिशिगन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला। और कोसोवो के इबर नदी पर पुल खोलने का विरोध और जनजातियों ने अस्तित्व खत्म होने की गुहार पे लगाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संभावित तूफान को लेकर अलर्ट जारी, तूफान के बाद बाढ़ की भी आशंका जता दी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वॉशिंगटन से डेमोक्रेटिक्स की रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। अमेरिका का साउथ कैरोलिना में डेबी कैरोलिनास के तट पर मंडरा रहा तूफान, बाढ़ के पानी में सड़कें डूबी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क पर हमले को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, यूक्रेनी घुसपैठ रोकने के लिए आदेश भी दिए। नेपाल के नवाकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हादसे में 5 लोगों की मौत। चीन की क्यानतांग नदी पर दिखा अद्भुत नजारा, क्यानतांग नदी पर जुटते हैं हजारों की संख्या में पर्यटक। बुल्गारिया में गहराया राजनीतिक संकट, पिछले 3 सालों में हुए 7 चुनाव। और देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें एक बार फिर से लेकर मैं और प्रगति हाजिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुलेटिन में अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बहुत बवाल हुआ और बवाल के बाद आज हम देखेंगे कि अंतरिम सरकार जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएगी। सेना के मुताबिक, सेना ये बता रही है कि मोहम्मद यूनुस आज रात 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे और शपथ लेते हुए नजर आएंगे वो। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार में 15 सदस्य हो सकते हैं परिषद के, और क्या कुछ इसके अलावा सामने आ रहा है इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुखों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आज पेरिस से लौटकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में 400 मेहमान शामिल होंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमा के मुताबिक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार परिषद की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएंगे। पेरिस से ढाका रवाना होते ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं घर वापस जाने और ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और हम जिस परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं बहादुर छात्रों को देश का दूसरा विक्ट्री डे देने पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुका था।